दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल की नीलामी से पहले हो गया बड़ा उलट फिर। मुंबई छोड़ चेन्नई में शामिल हुए रोहित शर्मा। खुद महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा को शामिल कर किया प्लेइंग 11 का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले काफी बड़े फेरबदल देखने को मिल गए हैं। मुंबई की टीम को छोड़कर चेन्नई की टीम में रोहित शर्मा की एंट्री हो चुकी है। इसकी पुष्टि खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने की और प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। तो आखिरकार मुंबई की टीम को छोड़कर चेन्नई की टीम में अचानक से एमएस धोनी ने रोहित शर्मा को कैसे शामिल किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में एमएस धोनी के द्वारा घोषित गई पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन महान खिलाड़ी और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। और ऐसे में अब आईपीएल की नीलामी के शुरू होने से ठीक पहले रोहित शर्मा का मुंबई की टीम को छोड़कर चेन्नई में शामिल होने की खबर सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि खुद चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने की। और इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की टीम में रोहित शर्मा को शामिल करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि आईपीएल के अंदर मुंबई की टीम ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर काफी गलत फैसला किया है। मुंबई की टीम ने जो आज कर दिखाया उसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाने वाला है और एक ऐसे खिलाड़ी को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा जो किसी भी टीम के अंदर वफादार नहीं रहा है। हालांकि हार्दिक पांड्या बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन रोहित शर्मा से काफी बेहतर खिलाड़ी और कप्तान मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। मेरा मानना है कि रोहित शर्मा को टीम के अंदर किसी भी कीमत पर शामिल कर लेना चाहिए। अगर रोहित शर्मा मुंबई की टीम का साथ छोड़ना चाहते हैं तो वो चेन्नई की टीम के अंदर आसानी से शामिल हो सकते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि रोहित शर्मा एमएस धोनी के टच में है और वो जल्दी ही चेन्नई में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान करते हुए सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जो कि टीम के अंदर बेहतरीन तरीके से शुरुआत दिलाने का काम कर सकते हैं और अपने प्रदर्शन के दम पर किसी भी टीम को परेशान करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए डेवोन कॉनवे को शामिल किया गया है, जिन्होंने आईपीएल में चेन्नई के लिए काफी अच्छी पारियां खेली हैं और ऐसे में इनके ऊपर भी काफी ज्यादा अच्छी प्रदर्शन की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा एमएस धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अजिंक्य रहाणे को शामिल किया, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से नंबर 1 चेन्नई को काफी मजबूत दिलाया है और ऐसे में इनके ऊपर एक बार फिर से वही उम्मीद होगी। इसके अलावा एमएस धोनी ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा को शामिल किया, क्योंकि रोहित शर्मा मुंबई की टीम का साथ छोड़कर चेन्नई में शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि रोहित शर्मा या तो डायरेक्ट चेन्नई की टीम में ट्रेड होंगे, क्योंकि अंबाती रायडू के संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा के लिए जगह खाली हो चुकी है, अन्यथा रोहित शर्मा मुंबई को छोड़कर नीलामी में आएंगे, जहां एमएस धोनी किसी भी कीमत पर रोहित शर्मा को लेने के लिए तैयार है और ऐसे में अब उनका चेन्नई में आना लगभग कंफर्म माना जा रहा है। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को शामिल किया गया, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और सभी को प्रभावित करते दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अपने आप को शामिल किया है उन्होंने, जो कि टीम के लिए कप्तान की भूमिका निभाएंगे और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने 8 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मिचेल सैंटनर को शामिल किया, जिन्होंने लगातार चेन्नई के लिए अच्छी गेंदबाजी की और ऐसे में एक बार फिर से उनसे बेहतर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की उम्मीद है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए तेज गेंदबाज के तौर पर दीपक चाहर को शामिल किया गया है, जो कि चेन्नई के मुख्य खिलाड़ी हैं, जो कि सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मथिशा पथिराना को शामिल किया गया है, जो कि लिटिल मलिंगा के नाम से भी मशहूर है और ऐसे में इनके ऊपर अच्छी उम्मीद है कि ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा तीसरे गेंदबाज के तौर पर तुषार देशपांडे को शामिल किया गया, जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करते दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम के अंदर मोइन अली को शामिल किया गया, जो कि अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में इन प्लेयर्स के साथ एमएस धोनी चैंपियन बनने के इरादे से उतरेंगे। दोस्तों, मुंबई छोड़ दिल्ली में शामिल हुए रोहित शर्मा तो क्या बोले आईपीएल के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस का साथ छोड़
छोड़कर रोहित शर्मा दिल्ली की टीम में शामिल हो चुके हैं, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया है। इस बीच आईपीएल के दिग्गजों ने रोहित शर्मा के दिल्ली में शामिल होने पर बड़ा बयान जारी किया है। इस दौरान सुरेश रैना, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स से लेकर लसित मलिंगा ने रोहित शर्मा के इस फैसले को सही बताते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर रोहित शर्मा के दिल्ली में शामिल होने से आईपीएल के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 की नीलामी अब से कुछ ही घंटे के अंदर शुरू होने वाली है। ऐसे में आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले सबसे बड़ी खबर मुंबई की टीम की तरफ से आई है, जहां हार्दिक पांड्या को गुजरात से ट्रेड कर मुंबई की टीम ने अपना कप्तान बनाया है। ऐसे में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया है, जिसके बाद रोहित शर्मा ने दिल्ली की टीम में जाने का फैसला किया, जिसको सुनकर आईपीएल के तमाम दिग्गज भी दंग रह गए और उन्होंने रोहित का समर्थन करते हुए दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है, जिसमें सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा है कि आईपीएल 2024 काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला सीजन रहेगा, क्योंकि सीजन से पहले काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल चुके हैं। रोहित शर्मा का मुंबई की टीम का साथ छोड़कर दिल्ली की टीम में शामिल होने का फैसला मुझे हैरान कर चुका है। हालांकि ये फैसला रोहित शर्मा ने सोच समझ कर लिया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा को अगर आप अपने अनुसार इज्जत नहीं देना चाहते तो ये रोहित शर्मा का हक है कि वो किसी और टीम के साथ खेलते हुए दिखाई दें। मेरे अनुसार हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम ने रोहित शर्मा की जगह पर कप्तान बनकर काफी गलत किया है। ऐसे में रोहित शर्मा का मुंबई का साथ छोड़कर दिल्ली में जाना सही है। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि आईपीएल के अंदर मुंबई की टीम काफी ज्यादा इज्जत थी और मुंबई की टीम काफी सफल भी रही थी, जिसके पीछे रोहित शर्मा का हाथ था। ऐसे में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का फैसला काफी ज्यादा गलत है। मैं रोहित शर्मा के समर्थन में हूं, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आसानी से किसी भी टीम को हराने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा का मुंबई की टीम का साथ छोड़कर दिल्ली में जाने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी आईपीएल टीम ही आपके प्रति वफादार नहीं है तो आपका भी उनके लिए वफादार होना बेवकूफी समान है। ऐसे में रोहित शर्मा ने जो कुछ भी किया है उनके लिए मैं समर्थन में अभी भी खड़ा हूं। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि आईपीएल के अंदर मुंबई की टीम सबसे ज्यादा सफल टीम थी और उसको सफल बनाने में रोहित शर्मा का हाथ था, लेकिन रोहित शर्मा को इतनी कम इज्जत देना और उनको अचानक से कप्तानी से हटा देने का फैसला हैरान कर देने वाला था। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को इस समय मुंबई की टीम की कमान देने से मना करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा ने मुंबई की टीम का साथ छोड़कर दिल्ली की टीम में जाने का फैसला किया है तो ये काफी ज्यादा सही है, क्योंकि अगर आपके प्रति मुंबई की टीम सफल इतना होने के बाद भी वफादारी नहीं दिखाती है तो आपका भी उनके प्रति वफादारी दिखाना बेहद गलत है। मैं इसके लिए रोहित का समर्थन करता हूं। तो वहीं लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा है कि आईपीएल 2024 में मुंबई की टीम की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि मुंबई की टीम ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला फैसला किया है। मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा अब मुंबई की टीम का साथ छोड़कर दिल्ली की टीम में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली की टीम में अगर रोहित शर्मा की एंट्री होती है तो उनके पीछे मुंबई की टीम मैनेजमेंट की काफी बड़ी गलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर काफी गलत फैसला किया है। मैं खुद गेंदबाजी कोच होने के नाते इसके विरोध में था, लेकिन रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया है तो इसके विरोध में मैं आज भी रोहित शर्मा के साथ खड़ा हूं और आगे भी रोहित शर्मा के साथ हमेशा ही खड़ा रहने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के कप्तान बनते ही हार्दिक ने तो अब अपनी मनमानी दिखानी शुरू कर दी, जहां आईपीएल की प्लेइंग 11 का उन्हें अभी से ऐलान कर दिया और खुद कप्तान रोहित शर्मा से लेकर उनके चहेते खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाकर अब हार्दिक ने अपने पसंदीदा जिन खिलाड़ियों को मुंबई की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है उनके नाम सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे।